देखिए, आपने भले ही दुनिया घूमी हो और कितने तरीके का व्यंजन खाया हो, कैसा भी नाश्ता किया, पर मैं दावा करती हूँ कि ऐसा नाश्ता तो भाई आपने पहले कभी नहीं किया होगा, क्योंकि भला ऐसा नाश्ता कौन करता है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रितिका पांडे और आप देख रहे हैं News 21। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको खाने में क्या पसंद है, तो आप में से कुछ लोग वेजिटेरियन डिशेस का नाम लेंगे और हो सकता है कि कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन डिशेस को भी चुन सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कैसी जगह है जहाँ के लोग बहुत ही विभिन्न और अजीबो गरीब व्यंजनों को खाना पसंद करते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी, मगर कुछ जगहों पर बड़े मकड़ों को फ्राई करके खाया जाता है और कहीं पर लोकेट्स को फ्राई भी किया जाता है, चींटी की अंडों का सूप पिया जाता है और कुछ लोग मछली की आंखों को भी खाते हैं। अगर आपको ये सब मजाक लग रहा है तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सारी बातें एकदम सच है। तो आइए आपको बताते हैं उन देशों के बारे में जहां ये सारी चीजें बनती हैं और बड़े ही चाव के साथ खाई जाती है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में, टिड्डियां इसराइल। चीते के अंडों का सूप, लाओस। देखिए, चीते देखते ही जहां आप और हम चीखने लगते हैं, वहां कुछ लोग ऐसे हैं कि इसके अंडों का सूप भी पीते हैं। जी हाँ, इतना ही नहीं, ये एक लोकप्रिय डिश भी मानी जाती है। इसमें स्नैक हेड, फिश, लहसुन, लेमन ग्रास, नींबू का रस और टमाटर आदि डालकर बनाया जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस नाम की एक बुक एक फूड टूरिस्ट ने भी लिखी थी। फ्राइड टैरंटुला, कंबोडिया। देखिए, ये आठ पैरों वाली मकड़ी जितनी डरावनी लगती है, किसी की आंखों के सामने आ जाए तो वो आदमी टस से मस ना हो, लेकिन लोग इन्हें भी फ्राई करके खाने से नहीं चूकते हैं और इनको खाना वहां का एक तरीके का रिवाज माना जाता है। ये आठ पैरों वाली बड़ी मकड़ी जितनी डरावनी लगती है, पर लोग इसको चाव से खाते हैं। आपको बता दें, कंबोडिया के स्थानीय लोगों को इसे स्नैक्स के रूप में भी खाना बहुत ज्यादा पसंद है। वहां के लोगों को टैरंटुला इतना पसंद है कि कंबोडिया में एक टाउन का नाम स्पाइडर विला सिर्फ इस कारण से ही रख दिया गया है, क्योंकि वहां के लोगों को फ्राई की हुई मकड़ी खाना बहुत ज्यादा पसंद है। टूना आईबॉल्स, जापान। इसी तरह जापानी लोग सिर्फ मछली नहीं बल्कि उसकी आंख को खाना भी पसंद करते हैं। वहां टूना आईबॉल्स खाना बहुत ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। आपको बता दें, आप जापान में किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, वहां टूना आईबॉल्स की एक अलग अलग डिलीशियस मेन्यू आपको देखने के लिए जरूर मिलेगी। कुछ रेस्टोरेंट्स में आईबॉल्स को फ्राई करते हैं और फिर इसके बाद इसे सूप में डिप करके खाया जाता है। लाल चींटी की चटनी। देखिए, कहीं और नहीं बल्कि भारत में ऐसा होता है। जी हाँ, यहाँ लाल चींटी की चटनी आपको बना के खिलाई जाती है। जी हाँ, आपको भी जानकर हैरानी जरूर हुई होगी, लेकिन सच में ऐसा होता है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में लाल चींटी की चटनी खाई जाती है। इसे काई चटनी भी कहा जाता है। इसकी लोकप्रियता के कारण ही इसे GI टैग भी दिया गया है। इसे लहसुन, चींटी और चींटी के अंडों को सुखाकर बनाया जाता है। उड़ीसा के साथ ही इसे छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी बनाया जाता है। इसी तरह के ऐसे कई अजीबो गरीब पकवान हैं जिसे अलग अलग देशों में बहुत ही मजे से खाया जाता है। तो देखिए, इस विचित्र तरह की खाने की आदत को लेकर आपका अपना क्या ख्याल है? स्पेशल डेस्क News 21। नमस्कार। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम, सब्सक्राइब करें News 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।